नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर, आज हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर शहर के जानी मानी हस्ती कल्याण जैन साहब। कल्याण जैन साहब इंदौर के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी आंदोलन से आप जुड़े रहे हैं। समाजवादी पार्टी में आपने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और दादा के साथ एक कहानी यह भी जुड़ी हुई है कि दादा जब विधानसभा में विधायक के रूप में वहां पर शपथ लेने के लिए गए, तो उस समय जो शपथ के लिए जो मजमून दिया जा रहा था वो संभवतः अंग्रेजी में था, तो दादा ने उसका विरोध करते हुए पहली बार वहां पर उसका विरोध किया और उसके बाद उसे हिंदी में देने की परंपरा शुरू हुई। शायद हो सकता है दादा इससे जुड़ी हुई एक और कहानी आप बताएं, पर मेरा ऐसा कहना है कि दादा का जो इतिहास रहा है इंदौर में, दादा ने आम आदमी के हित में, आम दुकानदारों के हित में, आम मजदूरों के हित में, रिक्शा चालकों के हित में, शहर के पूरे मजदूर वर्ग के हित में जो आंदोलन चलाए वो एक मिसाल बन गए हैं। दादा ने सभी निचले तबके के जो खेतीहर मजदूर से लेकर जो ठेला वाले थे, जो फुटपाथ पर काम करने वाले थे, सभी को संगठित किया और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी। दादा आज हमारे साथ घमासान.com में मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और हाल ही में दादा ने एक सब्सिडी का विकल्प एक पुस्तक लिखी है, जिसका विमोचन पिछले दिनों NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रविश कुमार द्वारा किया गया था। सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस पुस्तक में दादा ने क्या कहने की कोशिश की है। इस पुस्तक में प्रमुख जो बात लिखी है वो हिंदुस्तान के 90% गरीब जनता के हित की बात लिखी हुई है। आज हिंदुस्तान की सरकार जो बजट बनाती है लगभग आज 27 लाख करोड़ रुपए का है, लेकिन 27 लाख करोड़ के अंदर करीब 5-6 लाख करोड़ रुपया तो सब्सिडी के अंदर, रियायतों के अंदर, छूटों के अंदर, छात्रवृत्ति के अंदर, फसल बीमा के अंदर, खाद्यान्न सुरक्षा के अंदर, ऐसे कई मदों के अंदर खर्च करती है, जो कि उत्पादक नहीं है, अनुत्पादक कार्य है। मेरा ये कहना है कि तमाम अनुत्पादक खर्च खत्म करके जो गरीबों को हम खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, किसानों को हम खाद्य सुरक्षा, ये खाद्य सुरक्षा देते हैं, उसकी बजाय आपको सबसे ज़्यादा रोजगार गारंटी अनिवार्य देना चाहिए, संवैधानिक देना चाहिए। और मैंने उसमें तथ्यों के साथ लिखा है कि हर एक निर्धन परिवार को, हर भूखे को, हर बेरोजगार को आप 100 दिन से 120 तक रोजगार दे सकते हैं, और कम से कम 160, 170, 180, 200 रुपये रोज प्रतिदिन दे सकते हैं। जो आज जो किस गरीब को फायदा होता है खाद्यान्न के सस्ते के कारण, या कापी पेंसिल ये बच्चों को जो मिलती वो 1000 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं मिलती है। मेरा सुझाव है कि ये सब बंद करो और उसको रोजगार गारंटी दो। ये जो सब्सिडी होती है इंसान को बेईमान बनाती है, लालची बनाती है, कामचोर बनाती है, लापरवाह बनाती है और भ्रष्टाचार का कारण बनता है। सब्सिडी का फायदा हितग्राही को कम मिलता है, मध्यस्थ लोगों को ज़्यादा मिलता है। कंट्रोल के दुकानदार करोड़पति हो गए और गरीब वहाँ का वही गरीब रहा। अगर उनको रोजगार दिया जाता और रोजगार से उनको प्रोत्साहन मिलता तो शायद वो ज़्यादा तरक्की करते बनिस्बत जो आज हालत है। और आज खाद्यान्न में कम से कम 1,70,000 करोड़ रुपया खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पर है, करीब 70,000 करोड़ खाद के अंदर है, करीब 30-35,000 करोड़ मिट्टी का तेल और गैस की टंकी और गैस के अंदर है। तो ये सब बंद करो, सब अपने फसल बीमा जिसको कराना वो करा, फसल बीमा में निजी कंपनियों को दे रहे हैं, बेकार जाता है वो, मिलता है नहीं मिलता है। ये हालत है कि जब तक व्यक्ति को अपने पास के पैसे से खर्च करने की आदत नहीं पड़ेगी जब तक वो उस चीज़ को संभाल के अवेयर के नहीं रखेगा। उदाहरण स्वरूप उज्ज्वला योजना में गैस की टंकियाँ दी, 15% लोग गैस भरवाते हैं, 85% खाली पड़ी हुई है, वही पुराना जलाकर, चाहे वो
पत्ते चलाए, लकड़ी जलाए, कंडे जलाए, उससे ही अपना खाना बनाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि आप रोजगार गारंटी दीजिए, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा। अभी जरूर है निःशुल्क शिक्षा 1 से 8 तक, लेकिन सरकारी स्कूल में है, और सरकारी स्कूल के अंदर बंधन नहीं है कि वो 1 किलोमीटर के अंदर है, 1.5 किलोमीटर के अंदर है। निजी स्कूलों में बंधन नहीं है कि 1 किलोमीटर के अंदर है। पहली से 5वीं कक्षा के बच्चे 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर जाते हैं। माता पिता को हमेशा डर रहता है कि बच्चे कुछ हो नहीं जाए, और रात दिन अपन घटनाएं देखते हैं। तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा घर के पास मिले, अनिवार्य के साथ साथ घर के पास मिले, समान शिक्षा हो, उसी प्रकार चिकित्सा घर के पास हो। आज मान लीजिए शासकीय अस्पताल है, अगर एक बीमार पड़ जाता है परिवार का सदस्य, तो उस शासकीय अस्पताल में जाने के लिए उसको एक दिन खराब हो जाता, दूर रहता है, जाना चक्कर लगाना आना, उसमें उसको एक दिन की छुट्टी लेना पड़ती है। अगर घर के पास मोहल्ला क्लिनिक हो, 1 किलोमीटर अंदर हो, तो खांसी बुखार जुकाम जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं वहाँ पर उसका इलाज हो सकता है, उसका एक दिन की नागा नहीं जाती। ये दुनिया के मुल्कों में सबसे ज़्यादा जो विकसित मुल्क है, विकास का मतलब अभी लोग समझते ही नहीं है। विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हवाई अड्डे हों, हवाई जहाज हो, सी प्लेन हो, बुलेट ट्रेन हो, मोटर कार हो, 8 लेन की सड़क हो। विकास की परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बना रखी है, और उसमें सबसे पहला होता है औसत आयु। आपकी उम्र कितनी है, हिंदुस्तान की औसत आयु क्या है, और आयु काहे से बढ़ती है, शुद्ध पानी मिले, पोषण अच्छा हो, स्वास्थ्य सुविधा के लिए चिकित्सा की व्यवस्था हो, ये तमाम चीज़ों के ऊपर उम्र बढ़ती जाती है। दूसरा होता है कितनी आपका शिक्षा का जीवन औसत वर्ष बच्चों का स्कूल में रहा है, और ड्राफ्ट कितने बच्चे ले लेते हैं। तीसरा होता है रहन सहन का स्तर औसत आय। ये 3 चीज़ों से मापदंड होता है विकास का। हमारे यहाँ मापदंड का मतलब मेट्रो लेते हैं, फ्लाई ओवर ब्रिज लेते हैं, सी प्लेन लेते हैं, हवाई अड्डे लेते हैं, मोटर कार, ये बिल्कुल नहीं है। आज अगर ये होता तो अमेरिका प्रथम होता। मानव विकास में नंबर 1 है नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी है 5वां, अमेरिका है 13वां, और भारत है 189 देशों में 130वां नंबर। ये जितना बोलते हैं हम सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास होगा शिक्षा से, चिकित्सा की सुविधा से, और अच्छे पोषण से, जीवन स्तर सुधर। 6ठी अर्थव्यवस्था, अरे आबादी 135 करोड़ की, इसलिए 6ठी अर्थव्यवस्था। प्रति व्यक्ति क्या है, प्रति व्यक्ति तो हम 1,15,000 रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी, भारत अपने अमेरिका में $31,000। तो कई चीज़ें हैं उसके बारे में अर्थ का प्रबंध बिल्कुल नहीं है, ना नेता अपवाद स्वरूप समझते हैं, और नौकरशाह भी अपवाद सा समझते हैं। सबको अपना स्वार्थ रहता है, और जब तक अर्थ प्रबंध नहीं होगा भारत तरक्की कर नहीं सकता, भारत में सुधार हो नहीं सकता। अर्थ प्रबंध यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरत है। मैं मजाक में कहता हूँ, वो ये गोखले इंस्टीट्यूट के एक प्राचार्य गोखले साहब हुए पूना के, उन्होंने कहा था कि हम जरूर व्यापार प्रबंध पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ प्रवेश भी मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर प्रबंध सीखना हो तो बनिए से सीखो। बनिए का मतलब जो व्यापार करता है। हिंदुस्तान के अंदर कभी प्रबंध के ऊपर बनियों की सलाह ली नहीं गई है। मध्यम वर्गीय जैसे एक GST है, सरलीकरण नहीं, इतना पेचीदा है कि दुनिया में कहीं इतना पेचीदा नहीं है। 1 दर 2 दर अधिकतम 3 दर हमारे यहाँ 7-8 दर हैं, और पेचीदा इतने कैसे, और चोरी करने के इतने रास्ते हैं कैसे। मैंने उस किताब में सुझाव भी दिया है कर शरीर कर GST कैसे हो सकता है, कई चीज़ें उसमें दे, शराबबंदी का दे रखा, न्याय व्यवस्था दे सकते। और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के पिछड़ेपन का कारण है तो वो ये है कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या हमारे यहाँ पर हमेशा कम रही है। 6 करोड़ है, अब तो 3 करोड़ कर दी, अभी इस बजट के अंदर 3 करोड़ लोग हैं।
दुनिया में अमेरिका में 43% आयकरदाता, ऑस्ट्रेलिया में 50% से ज़्यादा आयकरदाता, चीन में 30 करोड़ आयकरदाता और हमारे यहाँ 3 करोड़ आयकरदाता रह गए। आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाओ, आय जिसकी होती है उसी से तो अपन आयकर लेते हैं, हर किसी से आयकर थोड़ी लेते हैं। अपन आय नहीं बढ़ाएंगे, आज हिंदुस्तान दुनिया के मुल्कों में बहुत पिछड़ा हुआ है, इस रूप में पिछड़ा हुआ कि कर राजस्व बहुत कम आता है, इतना कम आता है कि जो ब्राज़ील लो वह 26%, अमेरिका 28%, कई मुल्कों में हमारे यहाँ पर 16-15% कर राजस्व आता है। तो कैसे आप लोगों को सुख दोगे, सुविधा दोगे, पोषण अच्छा दोगे, रहन सहन स्तर सुधारोगे, शिक्षा अच्छी दोगे, स्वास्थ्य सुविधाएं आप उनको उपलब्ध कराओगे? तो जैसा मैं बता रहा था, व्यक्तिगत आयकरदाताओं की संख्या बढ़ाना चाहिए, कम से कम यहाँ पर 20 करोड़ आयकरदाता होना चाहिए, जो आज 3 करोड़ है। 20 करोड़ आयकरदाता बनाएंगे, कर राजस्व ज़्यादा आएगा, तो हम शिक्षा चिकित्सा के अंदर खर्च ज़्यादा कर सकेंगे, लोगों को रोजगार की गारंटी दे सकेंगे। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कम से कम, जो मेरे सुझाव के अनुसार, एक बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई भीख मांगना वाला अपराध गिना जाएगा, भीख मांगेगा नहीं, और निर्धन परिवार को जो 5,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं अन्य धंधों से, अन्य काम से, उनके पति पत्नी दोनों को रोजगार मिलेगा। करीब 20,000 से 40,000 रुपया प्रति वर्ष उसको 100 दिन के अंदर आय हो जाएगी, बाकी दिनों में वो अन्यत्र काम कर सकता, लेकिन 100 दिन उसको काम सरकार देगी, अगर काम नहीं दिया तो बेरोजगारी का भत्ता देगी, यानी उसको गारंटी रहेगी कि मुझे 20,000 रुपये। और गांव के अंदर 1 रुपये में जो काम होता, शहर के अंदर 3 रुपये खर्च होता है, तो गाँव में खर्च बहुत कम होता है। तो गांव के लोगों को शहर में ना आना पड़े, गांव में रहे, वो चाहते हैं गांव में रहना, लेकिन वो इसलिए आते हैं कि उनको वहाँ काम नहीं है, सारे छोटे धंधे खत्म हो गए, छोटे छोटे जो रोज़गार मिलते थे वो ख़त्म हो गए, सब शहरीकरण बढ़ता जा रहा, और शहर की जो समस्या वो अलग है, वो अपन सब समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने उस किताब के अंदर लिखा हुआ, अच्छी तरह से आप चिकित्सा दे सकते हो। अभी मैंने सुझा उसके अंदर लिखा है, रेलवे के हॉस्पिटल हैं, रेलवे में वहाँ पर सिर्फ रेलवे कर्मचारी पूर्व कर्मचारियों का इलाज होता है, खर्च होता है, खाली पड़े रहते हैं, डॉक्टर बैठे रहते हैं, अगर उनको दूसरों के लिए भी खोल दो, बिजली विभाग का है, नगर निगम का है, आपके केंद्रीय कर्मचारियों का अस्पताल है, आपके राज्य सरकार कर्मचारियों का अस्पताल है, बीमा अस्पताल, इन सबका एक विलय हो जाना चाहिए और एक राज्य सरकारों के द्वारा चलना चाहिए। अर्थ प्रबंध नाम की चीज ही नहीं है। 3100 करोड़ रुपये खर्च करते हैं रेलवे वाले, 67 लाख, 1 करोड़ के ऊपर हो गया 5,000 करोड़, अगर 100 करोड़ लो तो 5 लाख करोड़ हमारे यहाँ खर्च होता है, 1.25 लाख करोड़ भी खर्च नहीं होता है सिर्फ इस स्वास्थ्य के अंदर। कहने का तात्पर्य अर्थ प्रबंध नाम की चीज नहीं है। और मैं हमेशा से, आज से नहीं, 1980 से मैं सुझाव देता आ रहा हूँ कि आप अर्थ प्रबंध करो, अर्थ प्रबंध ही हिंदुस्तान को तरक्की की ओर ले जा सकता है। और एक एक चीज़ फैक्ट्स और फिगर के साथ लिखा मैंने, कर्म 4,500 रुपया प्रति व्यक्ति शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए, और अस्पताल और स्कूल भवन बनाने के लिए, ऐसे 4,500 करोड़ रुपये, 4,500 रुपया प्रति व्यक्ति, अर्थात 6 लाख करोड़ रुपया आप राज्य सरकारों को दे सकते हो, केंद्र की सरकार, आसानी से कुछ आय बढ़ा के और कुछ सब्सिडी ख़त्म करके, रियायतें ख़त्म करके, छूटे ख़त्म करके, छूटे 50,000 रुपये ब्याज छूट, अरे उनके भूखे मर रहा है, भूखे मरने वाले को रोटी दो, भूखे मरने वाले को रोटी दो सबसे पहले, रहने का कपड़ा दो, भूखे व्यक्तियों को अपने कपड़ा दो ताकि ठंड से न मर सके, कुछ सोच नहीं है, कुछ सोच नहीं है, और सिर्फ बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी क्या है, ये सिर्फ 100 में से 5-10% लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए, और मेरा सोच है हिंदुस्तान की आम जनता की सुविधाएं पहुंचाना, आम जनता को सुविधा दी जा सकती, संवैधानिक गारंटी के साथ दी जा सकती।
उसको क्लेम कर सकते हैं कोर्ट में जाके, जैसे संविधान के अंदर स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे हैं अभिव्यक्ति के, और अगर कोई रोके तो कोर्ट में जा सकते हैं, उसी प्रकार रोजगार के जा सकते। ठीक है, अभी 365 दिन नहीं दे सकते, 300 दिन नहीं दे सकते, लेकिन 5 साल तक तो 100-120 दिन दे सकते, धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.